तो आप प्लीज, नहीं 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 नहीं, तो झा साहब आप अपना कॉन्क्लूडिंग स्पीच दें, उसके बाद फिर फर्दर हम आगे प्रोसेस। धन्यवाद उपसभापति महोदय। मेरे मेरे एकदम कितना मिनट बता दीजिए, मैं उतना ही बोलूंगा। नहीं, कृपया कृपया झा साहब आपस में बात करने के बजाय चेयर की तरफ से बात करें प्लीज। सॉरी सर, सर माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। मेरी मंशा कतई नहीं थी कि मैं चेयर के बिलग जा करके अपने साथियों से बात करूं, लेकिन मैं सबसे पहले तो सर आपके माध्यम से सदन का धन्यवाद करना चाहता हूं। तकरीबन तीसरा दिन है आज, इस पर बहुत लंबी बहस हुई, काफ़ी सार्थक बातचीत हुई। सदन में कोई भी ऐसा सदस्य नहीं था जिसको इस बिल की भावना से कोई विरोध हो। ऐसा संसदीय लोकतंत्र में कम अवसर ऐसे होते हैं जब विरोध की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती है, बल्कि सभी साथी किसी न किसी प्रकार से उन्होंने इस विषय पर इसको इसके विस्तारीकरण की बात की, इसके अंदर कुछ ऐसे बिंदु मुझे बताए जो मुझे और समाहित करने चाहिए थे जब मैंने बिल बनाया था। तो जाहिर तौर पर मैं सबसे पहले आपके माध्यम से सारे सदस्यों को धन्यवाद करना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर, जिस शिद्दत से आज हमारे भाजपा के साथी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के, जो कि बिल इंट्रोड्यूस हो चुका है, मैं चाहूंगा कि उसी शिद्दत से आप इस बिल के बारे में भी वही नजरिया रखें, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हमारा आपका विरोध था, विरोध है और विरोध रहेगा, लेकिन राइट टू हेल्थ पर हम में से किसी ने भी, जिसने हाल के एक वर्ष पूर्व जब हमने कोविड की विभीषिका देखी, हमने ऑक्सीजन के लिए हाहाकार देखा, हॉस्पिटल बेड के लिए हाहाकार देखा, इसी सदन में चर्चा हुई और सारे सदस्यों ने अपनी कलेक्टिव हेल्पलेसनेस को कई दफा महसूस किया। ईश्वर न करे वो क्षण इस देश को फिर देखना पड़े, ईश्वर न करे उस तरह की हाहाकार की परिस्थितियां पुनः पैदा हों इस देश में, लेकिन उसके लिए क्या आवश्यक है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी, वो मुझसे कह के गए, उन्हें कहीं जाना था, हमारी एमओएस बैठी हुई है, संजीदगी से भरे हुए लोग, लेकिन चिंता ये सामूहिक होनी चाहिए। सर, मैं क्यों कह रहा हूं, हमारे कई बीजेपी के भी सदस्य और अलग अलग दलों के सदस्य ने आंगनबाड़ी और आशा कर्मियों की बात की और कहा कि ये फ्रंटलाइन वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए तालियां बजी, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए अन्य तरह के समारोह हुए, लेकिन सर वो फ्रंटलाइन वर्कर्स जिंदा इंसान है, वो तालियों से उनका पेट नहीं भरेगा, सिर्फ उनकी वाहवाही होगी, उससे उनके घर की चिंताएं खत्म नहीं होंगी। आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, आपके हेल्थ का पूरा बोझ ढोते हैं अपने कंधों पे, उनके कंधे पर जो बोझ है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है सर, उनकी दे आर ओवरवर्क्ड एंड अंडरपेड, काम इतना ज्यादा और उसके उसके एवज में उन्हें हम क्या दे रहे हैं, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं, कितनी कितना मानदेय, पीनट्स। ये नजरिया आपको राइट टू हेल्थ के विस्तारीकरण और उस गोल तक पहुंचने में मदद नहीं करेगा। ये मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि राइट टू हेल्थ पर पहली बार, जबकि मैं इस पर रिसर्च कर रहा था सर, बमुश्किल 10-12 मिनट लूंगा, खत्म कर दूंगा। इस पर जब मैं रिसर्च कर रहा था तो संविधान सभा की बैठकों में भी चर्चा हुई, खास करके एक व्यक्ति जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने पब्लिक हेल्थ सिस्टम के बारे में क्या कहा, मैं बाबा साहब को इस बहस में लाना चाहूंगा। बाबा साहब का नजरिया बिल्कुल साफ था कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम सोशल सिक्योरिटी के बगैर नागरिक का सबलीकरण नहीं हो सकता, और आज हमने उस छोटे से फॉर्मूले को भुला दिया है, उसको वापस लाने की जरूरत है। और मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी ने एक बात कही, मैं सहमत हूं कि बजट लगातार बढ़ा रहे हैं, मंत्री महोदया हैं, माननीय उपसभापति महोदय, ये जो आंकड़ा है ना, इस आंकड़े का व्याकरण अद्भुत है। मेरी सैलरी, मैं विश्वविद्यालय से लेता हूं, मेरी सैलरी बढ़ी, मान लीजिए इंक्रीमेंट लगता है तो वो बढ़ा एक साल में, अब उस इंक्रीमेंट को आप इन्फ्लेशन के इंडेक्स में देखिए, आप अगर एलोकेशन का
रियल टाइम वैल्यू जज करेंगे ना तो आपको लगेगा कि इट इज टू लिटिल एंड इवन टू लेट। तो आंकड़ों को लेकर के कहेंगे कि यूपीए के दौरान इतना था, हमने इतना बढ़ाया, बाकी इंडाइसेस को सामने रखिए और तब कहिए। और दुनिया के गरीब गरीब मुल्क सर हमसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, हमसे गरीब हैं लेकिन हेल्थ में उनका एक्सपेंडिचर हमसे ज्यादा है, क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक पब्लिक हेल्थ पैरामीटर्स को दुरुस्त नहीं किया जाएगा, आप कितनों रेटोरिकल चीजें कर लें वो जमीन पर कभी भी नहीं आ पाएंगी। सर, ग्रामीण भारत हमारी चर्चा से अक्सर विलग रह जाता है। मैं माननीय मंत्री साहिबा से आग्रह करूंगा, देखिए अक्सर क्या होता है कि आप जब किसी हॉस्पिटल को विजिट करते हैं तो पहले से जानकारी होती है, किसी क्या कहते हैं पीएससी को विजिट करते हैं पहले से जानकारी होती है। हम सुना करते हैं राजा महाराजाओं में, ना मेरा यकीन है ना मैं चाहता हूं कि उनका उदाहरण दिया जाए, लेकिन सुनते थे किसी हिंदुस्तान में कुछ राजा महाराजा होते थे जो वेश बदल करके जाया करते थे निरीक्षण करने के लिए। वेश बदल करके जाइए, एकदम पूरा का पूरा। आप बोले, आप इधर चेयर की तरफ देखें प्लीज, आपस में सर, में एक एक माननीय उपसभापति महोदय, एक दो उदाहरण छोटा छोटा दूंगा। अटल जी बोल रहे थे, कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने टोका कि अटल जी इतना लंबा बोल रहे हैं। बोला बिना प्रिपेयर करके आया हूं, प्रिपेयर करता तो छोटा बोलता, बिना प्रिपरेशन के बोल रहा। नहीं, जाहिर है सम्मान है उनके लिए, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने पहले कह दिया था ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं जानता हूं आज शुक्रवार है, आप सबको कोई ना कोई इंगेजमेंट तुरंत बाहर होगा और मजबूरी है, पार्टी व्हिप है कि बैठना है। एनीवे, माननीय सभापति महोदय, तो ग्रामीण भारत को लेकर के जो मेरी चिंताएं थी मैंने कहा। एक, मैं अगर राइट टू हेल्थ अगर हमने इंश्योर कर लिया, मुझे याद है जब आरटीई की बात हो रही थी तब भी बहुत लोगों की आपत्तियां थी कि इससे क्या होगा, इससे क्या बदलाव आएगा। जब आप किसी चीज को इस तरह से लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क देते हैं तो उससे क्या होता है ना कि अन्याय जो लोगों के साथ दर बदर होता है अलग अलग स्तर पर। और मैं एक छोटा उदाहरण दूंगा, ये ऑक्सफैम की इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट, मैं इसको पढ़ना नहीं चाहता सर। मैंने मार्क किया था इसमें कि कई राज्यों में स्थिति है कि इन पेशेंट केयर में किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है, खास करके अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति अत्यंत पिछड़े वर्गों से आते हैं या आमतौर पर आप गरीब हैं। अगर मैं वर्गीय श्रृंखला की बात करूं, ये विस्तार में ये रिपोर्ट बताता है, मैं माननीय मंत्री जी को ये रिपोर्ट भेज दूंगा ताकि आपके माध्यम से इस पर नजर पड़े तो इस पर कुछ चर्चा हो कि आखिर डिस्क्रिमिनेशन के कितने लेयर्स हैं और कैसे हम इम्यून होते जा रहे हैं। एक और चीज सर कह करके, व्हाट आई वांटेड टू एक्चुअली से सर, जब मैंने कहा लेजिस्लेटिवली गारंटीड राइट विल मेक एक्सेस टू हेल्थ लीगली बाइंडिंग एंड एंश्योर अकाउंटेबिलिटी। दवाई की बढ़ती कीमतों के बारे में मैंने पहले भी कहा था, दोबारा कह रहा हूं, मेंटल हेल्थ मानसिक रोग को लेकर के बहस में भी कम चर्चा हुई थी। मेरा उद्देश्य था कि इस पर व्यापक चर्चा हो, क्योंकि कोविड पेंडेमिक के बाद मेंटल हेल्थ के केसेस में बाढ़ सी आई है और उस बाढ़ की वजह से सर एक बड़ी आबादी है जो अफोर्ड नहीं कर सकती है। इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उनसे आप कभी बात करके देखिए, रैंडम चेक करवाइए, कई सारे जो मेंटल हेल्थ एलिमेंट है उनको वो क्लेम में आने ही नहीं देते हैं। ये सारी चीजें मैं समझता हूं कि अगर हम इस पर चर्चा करें, फ्रंटलाइन वर्कर्स के बारे में मैंने आपसे कह दिया, सिर्फ इतना कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रैल 2022 में पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट को कहा था एप्लीकेबल करो आंगनवाड़ी सेंटर्स में। ये मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से कह रहा हूं। और एक आखिरी टिप्पणी करके खत्म करूंगा, ये जो लाभार्थी है, ये लाभार्थी शब्द बहुत प्रचलित हो गया, आर पीपल आर नॉट आर बेनिफिशियरीज, दे आर द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, पार्ट ऑफ द पैराडाइम विच इज कॉल्ड वेलफेयर स्टेट। और वेलफेयर स्टेट में ये लाभार्थी की संज्ञा कि ये लाभार्थी है, कोई लाभार्थी नहीं है सर। मैंने बार बार कहा इसी सदन में, बड़े कोई भी पार्टी, आजकल तो कंपटीशन चल पड़ा है, मुफ्त मुफ्त मुफ्त, अरे मुफ्त कुछ नहीं है,
उसका टैक्स है, किसी भी फॉर्म में हो, आप उसके टैक्स का एक मिनिमम रिलीफ दे रहे हैं, इसको मुफ्त मत कहिए। और ये बेनिफिशियरी के नजरिए से मत देखिए, राइट के नजरिए से देखिए, अधिकार के नजरिए से देखिए। सर एक हास्य के लिए छोटी चीज सुना करके खत्म कर दूंगा। हास्य के लिए विंस्टन चर्चिल रूजवेल्ट के यहां जाते थे, प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, व्हील चेयर पर चलते थे, और चर्चिल अपने विट के लिए फेमस थे, हालांकि उनकी पॉलिटिक्स से हम लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं, कभी नहीं रखेंगे। तो चर्चिल साहब को व्हाइट हाउस में ही कमरा मिला करता था, तो वह नहा रहे थे और उनकी नहाने की आदत थी कि नग्नावस्था में नहाते थे। तो रूजवेल्ट पहुंच गए, रूजवेल्ट ने पूछा, जैसे ही व्हील चेयर वहां ले गए तो बका गए रूजवेल्ट, अपनी व्हील चेयर को मोरा। अब चर्चिल देखिए कैसे संभालते हैं, वो कहते हैं, लुक मिस्टर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके हैज नथिंग टू हाइड फ्रॉम यू। सर मैंने इसलिए कहा थोड़ा हल्के माहौल के लिए, मैं इच्छा बड़ी थी कि मैं डिवीजन ले लूं इस पर, मत विभाजन की मांग करूं, क्योंकि यह बिल हम सबके मन का है, लेकिन मंत्री महोदया मुझे देख रही है टुकुर टुकुर और बाकी लोग भी, तो मैं मत विभाजन की अपने टेम्पटेशन को गर्व करता हूं इस अपील के साथ, इस अपील के साथ कि सर आज नहीं तो कल ये बिल आएगा, आज नहीं तो कल ये होना है। आप तो दूसरों की भी चीजों का श्रेय लेते हैं, ये करके अपना श्रेय खुद ले लीजिए। अगर आप ये कर बैठे तो एक बहुत बड़ा एहसान होगा इस देश पर, इस देश के नागरिकों पर, और शायद एक आगे जब हम बात करेंगे ना तो हेल्थ को लाभार्थी के नजरिए से नहीं, अधिकार के नजरिए से बात करेंगे। हमारे आशा कर्मी प्रोटेक्टेड होंगे, आंगनवाड़ी कर्मी प्रोटेक्टेड होंगे, डॉक्टर पेशेंट रेशियो बेहतर होगा, पीएचसी लैक लस्टर नहीं होगी, सरकारी अस्पताल में कुत्ते नहीं सो रहे होंगे बेड्स पे, ये शायद बेहतर परिस्थितियां होंगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू टू ऑल माई फ्रेंड्स फॉर ग्रेट पार्टिसिपेशन। जय हिंद, लेट्स कीप टॉकिंग लाइक दैट। धन्यवाद प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी। सो यू आर विदड्रॉइंग द बिल, प्रोफेसर मनोज कुमार झा, यू आर नॉट पुटिंग फॉर द वोट, यू आर विदड्रॉइंग द बिल। देखिए मैं एक इसमें सर करार करवाना चाहता हूं, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड वापस ले लीजिए बिल को। नहीं, दैट वॉज इन अ लाइटर नोट, आई मस्ट से I have spoken, my friends have spoken, Honorable Minister has spoken, and we have a general consensus, we'll take steps, but my only request is, let it not be baby steps, let it to be a huge step at one point of time, and do it soon, and I withdraw the bill from voting.